यूपी के बदायूं जनपद में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला को भर्ती करने से मना कर दिया गया, जिसके चलते उसे प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाना पड़ा, जहां उसके बच्चे की मौत हो गई। उस महिला के पति ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस मामले की पूरी शिकायत लिखित में दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने इस मामले की जाँच का और दोषी लोगों पर कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है। पेश है हमारे बदायूं संवाददाता शिव ओम हरि मिश्रा की खास रिपोर्ट। जो बताओ क्या प्रधान न ले जाएंगे, हम तो इन्होंने क्यों बोला कह रहे हैं जो बताओ सब चीजें तो भी बाहर भेज रहे हैं। कहाँ के रहने वाले, क्या मामला है? मामला ये है, मैंने अपना कार्यक्रम कहा, मेरे पर्सन को देखो तो मेरे पर्सन को ना देखा गया, और पर्सन के लिए मतलब ये कि 5,000 रुपये की मांग को 20,000 रुपये मांग की, और मतलब डॉक्टरों ने और मतलब मैंने तेरा कहा कि मैं मेरे पर्सन को देख लूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो आपकी पत्नी यहाँ पर बिसौली सरकारी अस्पताल भर्ती थी जी, क्या नाम है उनका? गोमती। अब उनको क्या कहा उन्होंने डॉक्टरों ने आपके? इन्होंने कुछ ना कहा, मतलब पर्सन जब ज़्यादा मतलब गंभीर हालत में हो गया तो इन्होंने मतलब धक्के देके हम बाहर अस्पताल से निकाल दिया। कितने घंटे बाद बाहर निकाला? साहब 12 बजे भर्ती करा था, 6 बजे निकाल दिया। उसके बाद आप अपनी पत्नी को कहाँ ले गए? प्राइवेट अस्पताल में ले गए थे। वहाँ पर क्या कहा? वहाँ पर बच्चा हुआ, बच्चा मृत्यु हो गई इसकी, मतलब लेगा, और मतलब पर्सन की भी ज़्यादा हालत गंभीर है। तो यहाँ पर इन लोगों ने आपसे पैसे की मांग की? हाँ, पैसे की मांग की। कितने रुपये मांगे आपसे? 20,000। हम तो यही चाहते हैं, हिसाब हो क्या होगा।